शादी वादी तो दो, तुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। बिहेव मिस्टर बाजवा। नीति की जेल में बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा मैं जेल से बाहर कैसे निकलूँ। अब भाई नीति को जिस लड़की के साथ डाला गया है ना, वो और ज्यादा खूंखार है, मतलब बहुत बदतमीज है वो। अदरवाइज जैसे आपकी वुड बी वाइफ लॉकअप में बंद है ना, मैं आपको भी अंदर करवा दूंगी, आपकी इस बदतमीजी के लिए, समझे आप? सच में परी मैम, मैं हजार बार आपकी सवाल का जवाब दे चुकी हूँ, व्हाई डोंट यू गाइस अंडरस्टैंड। वो उसको ना और पोक कर रही है, वो बोलती है कि भाई मेरा भी बॉयफ्रेंड था और देखो मुझे बचाने नहीं आया, और तुम क्या सोच रही हो तुम्हारा जो फैंस है तुम्हें बचाने आ जाएगा, वो कभी बचाने नहीं आएगा, तुम्हारी बेल भी नहीं कराया। और यहाँ पर नीति ना और ज्यादा हाइपर हो रही है, नीति अभी बिलीव नहीं हो रहा है। बिलीव होता अगर सच होता, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज, समझ नहीं रही आप, वो झूठ बोल रही है, वो मुझे फंसाने आई है, मेरी खुशियां छीनना चाहती है, मेरे संजू को मुझसे छीनने आई है। बोल रही है कि नहीं मेरा जो संजू है ना आएगा मुझे बचाने, और संजू मुझे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर ना नीति के दिमाग में एक शक पैदा हो गया है, उसे लग रहा है कि जो परी ना पार्वती बन के आई है कहीं डोरी नहीं डाल रही हूँ मेरे राजीव के ऊपर, ऐसा नहीं हो कि मेरे बारे में सारा सच बता दे और अपनी तरफ कर ले। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई राजीव के सामने सच आ गया है कि जो पेंडेंट जो चेन उसने दिया था ना वो पार्वती के पास बोलकर चली गई है, मुझे बताकर चली गई वो, और खुद क्या हुआ करनी गई, तब तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरा मंगेतर आएगा और मुझे लेकर जाएगा, कहाँ पर है वो? मिला है, अब उससे पूछने पहुंच जाता है और पूछता है कि भाई ये तुम्हारे पास कैसे था, और यहाँ पर परी बोलती है कि नहीं ये तो मेरा नहीं है। और यहाँ राजीव को तो भाई 100% श्योर हो गया कि ये परी ही है, और वो परी के और करीब आता है और उसको बोलता है कि मेरे पास आने से तुम्हारा दिल धड़क रहा है ना, इधर भी मेरे बॉयफ्रेंड जैसा ही निकला चीटर, मैंने तो कहा ही था कि तेरी हालत बिल्कुल मेरी जैसी होती जा रही है। चुप करो अन्ना, वो परी कौन है, बेस्ट फ्रेंड है क्या तेरी? फिर तो तेरी और मेरी कहानी एक साथ औकात मेरे को बात करना, क्योंकि तुम परी हो और मैं राजीव हूँ और तुम उसे प्यार करती हो, यहाँ पर वो बार बार यही कह रहा है। लेकिन यहाँ पर जो पार्वती है ना वो उस पर गुस्सा करती है और चिल्ला देती है और बोलती है कि क्या तरीका है आपका मेरे से बात करने का, मैं आपकी कोई परीवरी नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ, आपको कितनी बार बताऊं, और आपको क्या लगता है कि अभी नीति जेल गई है मैं आपको भी जेल भेज सकती हूँ, आप सोच लो। तो यहाँ पर राजीव बोल रहा है कि तुम मुझे धमकी मत दो जेल की, और मुझे पता है कि तुम ही परी हो। ऐसे हमने नया प्रोमो भी देख लिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ राजीव ना उससे भीख मांग रहा है नीति के लिए, और बोल रहा है कि तुम किसी तरीके से ना इसकी बेल करा दो, इसको बाहर निकाल दो। और यहाँ पर परी ने रखी एक बड़ी शर्त, अब ये बड़ी शर्त कौन सी है तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे।